रिलैक्स आगे रखो रिलैक्स कर दो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। हां बस देखो, आंख खोलो पूरी, नहीं बोलो। हां बस पलके नहीं झपकानी, ठीक है। अरे नहीं झपकाता, ये इशू है मेरा। अच्छा किधर चलना है, क्या क्या दो? अबे फायरिंग हो रही है, चलो चलो चलो, उठो ना। मुझे छोड़ देंगे, मुझे पता है, पे आप पे भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, आप गिरा देंगे। और कितना गिरोगे, है ना? और वासला क्या खाया? अभी खाया नहीं, तो स्टार्टर है। ये तीसरा बर्गर है, शुरू है यार, दाढ़ गीला हुआ है कुछ और निकलने लगा। आपके समझ तो मैं क्या फ्री में पेट्रोल डलवाता हूँ, अपनी गाड़ी क्यों नहीं लाया हो? वजन खराब हो गई, आपके साथ ही खराब हो गया, अपने व्लॉग में डाल दिया। अच्छा तो तुम इससे बात करो, है ना? इतना बड़ा मुँह है तुम्हारा। जी मेरा मुँह छोटा है सर, क्या मुँह में क्यों घुसा देते? अरे ऐसे नहीं बोलो। अस्सलामुअलैकुम, I'm a rock star and channel to my welcome. Today is the last day of this year, so क्या करें? पहले तो जाके हम ज़रा अपनी शेव कराएं, ठीक है, बालों पे ऑयलिंग कराएं, बिकॉज बाल जो है जीभ से बहुत ड्राई हुए हैं। तो जो हमारा ज़िंदा रहने का तरीका है, खाना है, वो मतलब आप कुछ भी खा लो, बिरयानी खा लो, नहरी खा लो, पाए खा लो, ठीक है, बट वेन इट कम्स टू हेयर तो इसका जो खाना है दैट इज़ ऑयल। तो ऑयल भी कराएंगे, ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, चलो पहले खाना खा लें। देखिए, अगर आपको किसी से मोहब्बत होगी ना तो आप उसके लिए ख्वार होंगे, लेकिन जब आपको अपने नाई से मोहब्बत होगी ना, अपने हेयर स्टाइलिस्ट से मोहब्बत होगी, तो उसके लिए भी ख्वार होंगे। तो आई एम ख्वारिंग फॉर माई हेयर स्टाइलिस्ट। अब किसके लिए जी रहे हम, अपने ही देते जख्म, अपनों ने की आंखें हैं नम, अपनों ने किए हम पे सितम, ख्वाबों में मची है भीड़, फकीर भी हो गए अमीर, शरीफ भी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, ठीक ठाक। आपकी मोहब्बत में दूर आया हूँ, बहुत मोहब्बत है आपकी। ये बस भाई आप आए, हमारे पास तशरीफ लाए हैं। कितना टाइम है? बस आधा घंटा लगेगा। फोन तो उठाओ। वहशतें हैं सब पे छाई, क्यों डस रहा है भाई को भाई, थूक लगाने में सब है माहिर, पैसा बना है सबकी लुगाई। मेरे मौला कर खैर, बुरी नजर से बचा मेरा शहर, यहाँ चारों ओर फैला कहर, हर बंदा उगल रहा जहर। कलर है ट्रांसपेरेंट, कलर तो वैसे ही आना। हां अच्छा, वो मैंने बेसेस लगाई भी, उसका भी तरफ ख्याल करो। हाँ रखना इसको, उसमें इतना क्यों? आंख बस सीधी रखनी है, ठीक है। खोलो आईब्रो, खोलो पलके, खोलो पलकों को ऊपर रखो, पूरे आंख खोलो, थोड़ा सा आगे रखो फेस को, बिल्कुल आंख सीधी रखो। सब आईब्रो नहीं, वो नहीं लानी, आई लाइशेस नहीं लानी। अरे रिलैक्स कर दो, आगे रखो रिलैक्स कर दो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। हाँ बस फोर्स नहीं करो, आंख खोलो पूरी, नहीं बोलो। हाँ बस पलके नहीं झपकानी, ठीक है। अरे नहीं झपकाता, ये इशू है मेरा, ठीक है। कुर्सी मोड़ लें, बस राइट स्लो पूरा राउंड सही बना रहे हम लोग। जी जी, एक आंख चली गई, दूसरी रहती है, एक आंख चली गई। वो केस आया हुआ हमारे पास, उसको सॉल्व कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो भी काम कर रहे हैं। इधर यहाँ से ठीक है, ये चीज सामने देखो, लेफ्ट रिकॉर्ड कर सकते, राइट रिकॉर्ड कर सकते, नीचे रिकॉर्ड कर सकते, राइट देखो, हल्का सा लेफ्ट, हल्का सा सबको मिलो आपसे। यार लेकिन वो मुझे वक्त रेत से हाथ से फिसलता रहा, दिन ब दिन मेरा दिल और बिखरता रहा। करी काफी कोशिश इस हालत में रोज इस तरह कैसे गिर के संभलता रहा। तक हारने के बावजूद चलता रहा, सच सामने पर मानने से डरता रहा। दूर भागता रहा खुद से मैं लापता, मुझ पे लगाए जो तोहमतें वो मुझे रोक न पाए। मैं बच के निकलता रहा, इन सब से मैं डट के बस लड़ता रहा। अच्छी है, सही है। इट्स न्यू ईयर नाइट और न्यू ईयर मनाने का कोई दिल नहीं है, बिकॉज फॉर मी इट्स जस्ट अनदर ईयर और उसमें और मेहनत करनी है। कोई न्यू ईयर आपको गिफ्ट लाके नहीं देगा, आपका वेट लूज नहीं कराएगा, तो जो आपकी रेजोल्यूशंस हैं तो वो आप अपने आप से करें। न्यू ईयर का कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है। तो आई एम गोइंग टू पिक अ फ्रेंड, उसके बाद कुछ दो चार और दोस्तों के पास जाना है। इट्स बिन एजेस दैट आई हैव मेट विद देम, तो लेट्स गो। सर जी सर, आपको मैंने पिक किया। आपके समझ तो मैं क्या फ्री में पेट्रोल डलवाता हूँ, अपनी गाड़ी क्यों नहीं लाया हो? वजन खराब हो गई आपके साथ ही खराब हो गया, आपने व्लॉग में डाली है। अच्छा तो तमीज़ से बात करो। ठीक है, तमीज़ से क्या मतलब? आप बोल रहे हो पेट्रोल वेट्रोल का सुना रहे हो। ठीक है, बातें मत सुनाओ। ये तो उल्टा ज़रील कर रहा है। यार क्या प्लान है आज आपके न्यू ईयर का? यार न्यू ईयर क्या प्लान है, मतलब चर्च पर जाएंगे, देखो उसके बाद क्या होता है। फायरवर्क्स होते हैं वहाँ पे? यार मुझे नहीं लगता, बट हो सकता है। चलो चलो वीडियो बना के भेज देना, ब्लॉग में डाल। चलो ठीक। बेटा कौन कौन सी है ना? कितना खाओगी? कौन कौन सी है बेटा? सब खा गई है ना तुम? मैंने नहीं खाया सही से। किसने खाया? पहले वाला बना दिया? हाँ अपलोड कर दिया। नहीं तू था ना उस ब्लॉग में, तो मैं अपलोड कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये वायरस है, तो वो नहीं चला। ये वायरल नहीं होगा, वायरल बहुत वायरल हुए ब्लॉग है माशाल्लाह से, है ना जी। कितना खाओगी तुम? मैंने तो सबसे कम खाया। क्या क्या खाया बताओ? मैंने खाया है बर्गर खाया है और क्या खाया है? अल्लाह बस एक खाया काफी है। और तीन तीन खाए हैं? नहीं बस एक एक खाया। और वासला क्या खाया? अभी खाया नहीं, तो स्टार्टर है ये, तीसरा बर्गर है शुरू है यार, दाढ़ गिरा हुआ है बस। कुछ और निकलने लगा। अबे बिल हो गया, अमीर बिल हो गया, मिल दे दिया बिल। हाँ इससे तो पकड़ो 100 रुपए पेप्सी के, पैसे निकाल। किधर चलना है? हाँ अबे फायरिंग हो रही है, चलो 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 आतिबा के घर चलते हैं। मैं कह दिया तू ब्लॉग को बंद कर। हाँ क्या पूरा कराची पहुँच जाएगा आतिबा के। अमीर आदमी मेरा आतिबा घर आपका बड़ा है? नहीं बहुत, हम 4 लोग हैं। आवाज आ रही है फायरवर्क्स से। तुम इधर कोने में क्यों छुप के बैठी हो? क्यों आ जाए? तुम्हें किसने बताया? मेरे हस्बैंड। इनके हस्बैंड जो है वो साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया गोली कैसे आती है। नहीं तो एंगल बता रही थी ना? हाँ यूं करके हिलती भी है, स्ट्रेट आती है। पूरा बता दे एड्रेस सारा। ब्लर करना पड़ेगा, सारे सेंसर करना पड़ेगा। तो भाई जो गोलियां चला रहे हैं तुम लोगों के लिए, मैं अपने दिल से क्या ऐना गाली देना चाहती है। नो मैं गालियां नहीं देती, बहुत बुरी बात होती है। आप लोग बदुआ तो दो ना, तो गोलियां चला रहे हैं। मैं दुआएं देती हूँ, गालियां नहीं देती। अबे बदुआ तो दो, गोली चला रहे हैं, लोग मरते हैं। नहीं मैं ये कहूँगी कि इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, जो दूसरे को नुकसान पहुँचे और किसी की जान चली जाए। तो प्लीज अपने घरों में रहे और बहुत सारा घर के अंदर ही कुछ अपनी घर के अंदर गोलियां चलाएं। नहीं घर के अंदर चरागा टाइप करे, कुछ आपको लाइटिंग लगा ले, लेकिन इस तरह किसी की जानों को खतरा में डालना तो बहुत ही बुरी बात है। तो प्लीज लंबी कर रही छोटा ना, बस ठीक है। बस ये भाई गोलियां मत चलाओ, चला तो भी लोगों ने, लेकिन अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से यार। पहले हम थे सिंधी मुस्लिम पे, वहाँ से हमें भगा दिया पुलिस ने कि भाई फायरिंग होने वाली है, यहाँ से हटो ठीक है। उसके बाद गए हम एक होटल पे चाय पीने, वहाँ से भगा दिया। और अभी हम आए एक अदद हमारे भाई हैं, उनकी लोकेशन पे, लोकेशन भी दिखाएंगे और वहाँ पे हम बैठने आए। और ये है ये अजीब से लोग हैं, है ना। इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा। जी मेरा मुंह छोटा है सर। क्या मुंह में क्यों घुसा देते हैं? अरे ऐसे नहीं बोलो अब्बा, इसको समझा। इधर आए, अब यहाँ पे हम बैठेंगे। तो यहाँ पे हमने डांस पार्टी का इंतजाम किया। तुम चीजें लाए हो ना, भूले तो नहीं हो कोई? हाँ सब लाए। गलत बात कर रहे हो तुम। जो भी चीजें मंगाई थी पार्टी वाली, क्या वो बलून बलून जो होते हैं, केक केक होता है हैप्पी न्यू ईयर का, और कैंडल होती है। क्लाउन भी आ गया। क्लाउन तो आ गया। वो क्या पेप्सी भी आ गई है। साफ सुथरा भी हो गया। ये सूबिया तुम आई लव यू क्यों बोल रही है? इतना अच्छा झूला क्या हो गया? डलेगा मेरा झूले पे। ये लो पकड़ो। क्या उठो ना, मुझे छोड़ देंगे, मुझे पता है। आप भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप गिरा देंगे। और कितना गिरोगे है ना? मैं नहीं गिर सकती। अबे तू घर से पानी लेकर आता है, तुझे भरोसा नहीं लोगों पे। चलते फिरते बंदों से भरवा भी ले जाते हैं। घर जा रहे हैं। And it was a good night. Well, not good night, it was a good evening. Pardon my French. Apart from that, let's go. सुकून है बस। गोलियां जो चली है ना उससे मसला है मुझे, बाकी सब ओके की रिपोर्ट है जी। ख्वाबों की दुनिया में लिपटे हुए हम। घर आ गए and it was a wonderful night. बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद ये दोस्तों से मिला हूँ। ये मेरे थिएटर का ग्रुप है ग्रीन वेन्स, और बहुत टाइम बाद हम ऐसे बैठे हैं और बड़ी मस्तियाँ की। बहुत सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग ना अजीब से लोग हैं, हम अजीब सी बातें करते हैं। तो जितना व्लॉग था उतना ही व्लॉग था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल आई एम गोइंग टू TCF, द सिटीजन फाउंडेशन फॉर थिएटर वर्कशॉप्स। दुआ कीजिएगा कि अच्छा हो जाए, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आज के लिए इतना ही। लेकिन जोक बहुत जरूरी है। एक बीवी मायके जाने की तैयारी कर रही थी, तो शौहर आया और उसने पूछा तुम लड़कियों का ठीक है, कभी मायके कभी ससुराल, जहां दिल चाहे रह लेते हो। तो बीवी ने बोला और आप? तो शौहर ने बोला हम लड़के हैं ना, हम कहीं के नहीं रहते। That's all from us. Thank you once again. Take care. Goodbye. I love you. Subscribe and catch you.